वेस्ट इंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल ने की भारतीय कप्तान विराट कोहली की तारीफ। कहा, टीम को जीत के लिए प्रेरित करते हैं विराट, हमेशा टीम को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं। महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में हार के साथ बाहर हुई भारतीय महिला टीम। मुख्य कोच शुवई मरेन ने कहा, टूर्नामेंट में मिला अनुभव आगामी एशियाई खेलों में काम आएगा। सिलिकॉन वैली क्लासिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची अमेरिका की दिग्गज वीनस विलियम्स। ब्रिटेन की हीथर वाटसन को महिला एकल वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में दी मात। अब ग्रीस की मारिया सक्कारी से होगा मुकाबला। बर्मिंघम में चल रहे भारत और इंग्लैंड के मैच में स्टेडियम की सीटें खाली। एशियाई क्रिकेट परिषद ने महंगे टिकटों को ठहराया दोषी। स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी प्रेडो ने लंदन के फुटबॉल क्लब चेल्सी के साथ किया नया करार। अब 2020 तक चेल्सी के लिए खेलते रहेंगे प्रेडो। 2019 में होने वाले टूर्नामेंट से पहले भारत आएगी रग्बी विश्व कप की ट्रॉफी। पहले वर्ल्ड टूर के दौरान भारत समेत कुल 18 देशों में जाएगी ट्रॉफी। जापान में अगले साल होगा टूर्नामेंट। वाशिंगटन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंतिम 8 में पहुंचे एंडी मरे। पुरुष एकल वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में रोमानिया के खिलाड़ी को दी मात। ब्राजील के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी गैब्रियल जीसस ने मैनचेस्टर सिटी क्लब के साथ किया नया करार। साल 2023 तक सिटी क्लब के साथ बने रहेंगे गैब्रियल।